ये वीडियो तेलुगु और कन्नड़ अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का बताते हुए सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है। आपको बता दें कि रश्मिका अपनी आने वाली फिल्म एनिमल को लेकर चर्चाओं में है, जिसमें उनके साथ एक्टर रणवीर कपूर भी है। इडियोटिक ज्ञान नाम के इस इंस्टाग्राम अकाउंट ने ये वीडियो 13 अक्टूबर 2023 को पोस्ट किया था। देखते ही देखते ये वीडियो रश्मिका का बताते हुए वायरल हो गया। हमारे सहयोगी अभिषेक ने ट्वीट कर इस मामले को सबसे पहले उठाया था। असल में ये वीडियो डीप फेक का कमाल है, यानी कि किसी और व्यक्ति के चेहरे पर किसी अन्य व्यक्ति का चेहरा लगाना। गौर करें कि इस टेक्नोलॉजी में लोगों के चेहरे और आवाज को बदलकर फर्जी वीडियोस बनाए जा सकते हैं। ज्यादातर ऐसे वीडियोस एंटरटेनमेंट या फिर व्यंग के लिए शेयर किए जाते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल झूठी जानकारी फैलाना, चरित्र हनन, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ दुष्प्रचार, ब्लैकमेल वगैरह के लिए किया जा सकता है। पहले भी धरना प्रदर्शन करते वक्त हिरासत में लिए गए इन खिलाड़ियों की ये तस्वीर शेयर की गई थी। ये डीप फेक रूप से बनाई गई तस्वीर थी, जिसमें खिलाड़ियों को हंसते हुए दिखाया गया था। अब बात करते हैं वायरल वीडियो की। इसे गौर से देखने पर हमने नोटिस किया कि जब ये लड़की लिफ्ट में एंटर होती है, तब उसका चेहरा पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वीडियो की शुरुआत में ही महज कुछ सेकंड के लिए किसी और लड़की का चेहरा दिखता है। आगे जांच जारी रखते हुए ऑल्ट न्यूज ने पाया कि ये वीडियो असल में ब्रिटिश इंडियन लड़की जारा पटेल का है। जारा ने 9 अक्टूबर को ये वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। रश्मिका मंदाना ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि मुझे बहुत दुख के साथ ऑनलाइन फैलाए जा रहे मेरे डीप फेक वीडियो के बारे में बात करनी पड़ रही है। ये न केवल मेरे लिए बल्कि हम में से हर एक के लिए डरावना है, जो आज प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग के कारण बहुत अधिक असुरक्षित है। रश्मिका ने ट्वीट में स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए चिंता जाहिर की और लिखा कि इससे पहले कि हम में से अधिक लोग इस तरह की आइडेंटिटी की चोरी से प्रभावित हो, हमें एक कम्युनिटी के रूप में और तत्परता से इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अमिताभ बच्चन ने भी इस वीडियो के बारे में ट्वीट करते हुए लिखा कि इस मामले पर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया और कहा कि भारत सरकार इंटरनेट का उपयोग करने वाले सभी डिजिटल नागरिकों की सुरक्षा और विश्वास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं जारा पटेल ने भी इस मामले में बयान देते हुए बताया था कि उनके वीडियो में एक्ट्रेस का चेहरा लगाकर डीप फेक वीडियो बनाया गया है। तो जैसा कि आपने देखा, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के संगम से दुनिया में कई आविष्कार हो रहे हैं, वहीं इसके जरिए सूचनाओं का आदान प्रदान भी काफी सरल हुआ है। लेकिन हर चीज की तरह जब टेक्नोलॉजी भी गलत हाथों में आई, तो इसके जरिए झूठी जानकारी फैलाने का काम भी शुरू हो गया।